शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मासी जी फाइल ले लिया हमने, ये है ना? ठीक है, हम चलते हैं। चाओ आशी, चाओ। आज तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज तुम्हारा वहां वेट कर रहा है। आशी का फोन? आशी अपना फोन यहीं भूल गई। देखो आशी, तुम किसी खतरे में ना हो। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। क्या कर रही हो? सांसें नहीं ले रही, इसके पल्स नहीं है। आई थिंक यार नो मोर। शांत हो जाओ प्लीज, किसी ने सुन लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। गलत हुआ भाई, आशीष तो बहुत बड़े गलती ने तुमसे बना हुआ मासी। प्लीज शांत हो जाओ। कौन किया है मासी? हमने कौन किया है? कैसे हो गया मासी? मासी फोन निकालिए, मासी पुलिस पुलिस को कॉल कीजिए, मासी मासी जल्दी पुलिस को कॉल कीजिए, मासी मैं फोन करती हूँ, मासी मासी पुलिस को फोन कीजिए मासी। भाई हर जगह देख लिया, आशी कहीं नहीं मिल रही, अब तो हमें भी बहुत टेंशन हो रही है। पता नहीं कहाँ होगी, कैसी होगी। एक सेकंड, सुन भाई, मासी भी घर पे नहीं है ना, हो सकता है आशी उन्हीं के साथ कहीं गई हो, आप एक बार चेक कर लो ना प्लीज। हो सकता है, वेट मैं मासी को कॉल करता हूँ। ऐसा नहीं कर सकते। सर का फोन, आशी क्या कर रहे हो? सर को बता दो। मैं बात करती हूँ सर से। हेलो सर। बेटा मासी, आशी आपके साथ है क्या? नहीं, आई मीन आप भी घर पे नहीं हो, आशी भी घर पे नहीं है, आप दोनों साथ में हो क्या? नहीं सर, मैं तो मेरे फ्रेंड के घर आई हूँ, आशी मेरे पास, आशी मेरे साथ नहीं है। मैं ना तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। ओके बाय। क्या हुआ सर? बाय।
आशी मासी के साथ भी नहीं है। आशी ऑफिस के काम से गई थी ना, तो मैं सिंगानी के ऑफिस में कॉल करता हूँ। लेकिन सुन भाई आशी, कोई फोन ही नहीं पिक कर रहा। निधि, मैं सिंगाने के ऑफिस जा रहा हूँ। लेकिन सिंह भाई, आशी इतनी रात को ऑफिस क्यों जाएगी? वो सब मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि मुझे आशी को ढूंढना है और मैं उसे ढूंढ के रहूंगा। आशी, आपने सिर्फ तो झूठ क्यों बोला कि हम आपके साथ नहीं हैं? आशी, सिर्फ को बताना जरूरी है, प्लीज उसे। आशी, प्लीज शांत हो जाओ। मैं सिर को क्या पता थी कि यहाँ इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। तुमने कियारा को मारा है और हम दोनों यहाँ इस डेड बॉडी के साथ बैठे हैं। पागल हो गई हो? थोड़ा सोच समझ के काम करते हैं। प्लीज शांत हो जाओ तुम। ओके मासी, फोन हुआ मासी, अब फोन करिए सिर को, बताइए पुलिस को, बताइए मासी। ऐसा हम कुछ नहीं कर सकते मासी। देखो, अगर हम पुलिस को बताएंगे तो हमारा क्या होगा, हमारी फैमिली का क्या होगा? हमारी इज्जत है, हमारा स्टेटस है, पर पहले राघव की वजह से तुम जानती हो ना कि फैमिली पे को क्या हुआ है। और अगर तुम पुलिस में गई, उन्होंने तुम्हें जेल में डाला, तो हमारा क्या होगा, हमारी इज्जत का क्या होगा? जरा सोचो आशी। चलो इज्जत नहीं, सेट के बारे में तो सोचो। और आशी, तुम्हारा क्या होगा? तुम तो बहुत छोटी हो, पूरी जिंदगी तुम्हारे सामने है। तुम्हें अपना फ्यूचर बनाना है, उसे सिक्योर करना है, करियर पे कॉन्सेंट्रेट करना है। हम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसे इमोशंस में बह के हम पुलिस के पास नहीं जा सकते। आशी समझो मेरी बात प्लीज। तो ऐसे जज्बातों में आके मैं तुम्हें इतनी बड़ी स्टेप लेने नहीं दे सकती आशी, समझो। उसकी जांच हम पुलिस को फोन करेंगे। हमने गुनाह किए, हम गुनहगार हैं मासी, हम गुनहगार हैं मासी, हमने बहुत बड़ा गुनाह किया मासी। आशी प्लीज काम डाउन, काम डाउन। देखो मैं कुछ करती हूँ, मैं कुछ सोचती हूँ। मैं ना काजल को फोन करती हूँ, वो हमारी हेल्प करेगी। काजल जरा गोडाउन में अंदर आना प्लीज। अच्छा प्लीज पैनिक मत करो। देखो हमें तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। कैसी हेल्प मैम? अच्छा देखो, हमें कियारा की बॉडी को ठिकाने लगाना है, और वो भी बिना किसी के नजर आए। प्लीज। यस मैम। मासी मिस। आशी देखो, मुझ पे विश्वास करो, मुझे मालूम है मैं क्या कर रही हूँ। देखो सिर्फ यही एक सोल्यूशन है, हम और कुछ नहीं कर सकते। मुझ पे विश्वास करो प्लीज। बेचारी आशी,
तुमने गुनाह किया नहीं, पर तुम्हारे गुनाह का सबूत है ये वीडियो। अब इससे साबित हो जाएगा कि तुमने पहले कियारा का खून किया, उसके बाद खुद को बचाने के लिए इसकी लाश गायब कर दी। हाँ, अगर तुम खुद को सरेंडर कर देती तो शायद सेल्फ डिफेंस में कानून तुम्हें छोड़ देता, लेकिन अब डेड बॉडी गायब करने, सबूतों से छेड़छाड़ करने से साबित हो जाएगा तुम मर्डरर हो, और मर्डर की चार्जेस में तुम पता नहीं कितने सालों के लिए अंदर जाओगी। क्या कर रही हो आशी? मासी जी, ये जो सब हो रहा है, ये सही नहीं मासी जी, ये बहुत गलत है। हम गलत का साथ नहीं दे सकते, हमारे उसूलों के खिलाफ है। हमारे बाबा ने हमेशा हमें सच बोलना सिखाया, सच के साथ खड़े रहना सिखाया, अब हम अपने बाबा के संस्कारों को चुपके नहीं देंगे। हम सच का साथ देंगे। देखो, be practical, सिर्फ अपने नहीं, तुम सिर के भी सोचो। देखो, अगर उसे पता चलेगा तो वो क्या सोचेगा, उसके नाम, स्टेटस और बिजनेस पर क्या असर पड़ेगा। वो कितनी शिद्दत से कला क्रिएशंस का काम कर रहा है, कला क्रिएशंस को लॉन्च करना चाहता है, उसके कला क्रिएशन की लॉन्चिंग फिर से रुक जाएगी। सिट बेटा, सिट को आप समझ नहीं पाई मासी जी, कभी गलत का साथ नहीं देगा। अगर उसे ये सब कुछ पता चल गया ना, वो खुद हमें पुलिस स्टेशन लेके जाएगा, और अगर उसके हाथों में ये सब होता ना, तो वो अपने आप को सरेंडर कर देता। आशी, देखो थोड़ा सोच समझ के काम करते, मैं नहीं कह रही हूँ ना, थोड़ा रुको तुम। सॉरी मासी जी, हम आपके खिलाफ जा रहे हैं, पर हमें ये करना होगा। हेलो पुलिस स्टेशन, आई होप आशी जहां भी हो ठीक हो। इतनी रात को अननोन नंबर से कॉल, किसका हो सकता है? सिद्ध भाई उठा लो ना, हो सकता है शायद कोई आशी की न्यूज हो या खुद आशी ही हो। हाँ। हेलो सेठ सर, सॉरी मैंने आपको इतना लेट फोन किया, आपको एक अपडेट देना था। हमने सारा माल आपके गोडाउन में रखवा दिया है। रखवा दिया मतलब? आप तो कल आने वाले थे ना? हाँ सर, आज हम जल्दी पहुँच गए थे, सोचा कि सुबह तक क्यों इंतजार करें। नीलिमा जी से बात हो गई थी, उनसे पूछ के ट्रक गोडाउन में लगवा दिया था, और उन्होंने आशी मैडम को भेजा था माल और इनवॉइस चेक करने के लिए। हमने आशी मैडम को सब हैंड ओवर कर दिया। आशी, क्या हुआ आशी को? सिद्ध भाई, Thank you.
मिसेज आशी शर्मा, आपको कियारा के खून के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। नाउ यू आर अंडर अरेस्ट। क्या हो रहा है ये सब? इंस्पेक्टर, ये सब क्या हो रहा है? आप यहाँ कैसे और आशी के हाथ में हथकड़ी क्यों? मिस्टर शर्मा, आपकी वाइफ ने आपके गोडाउन में खून किया है, मिस कियारा का खून। इंस्पेक्टर, आपको जरूर कोई कंफ्यूजन हुई है। आशी ने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई, तो वो किसी का खून क्या ही करेगी? कर ही नहीं सकती। सेठ, मैं भी जानती हूँ आशी कभी किसी का खून नहीं कर सकती। वो कियारा ने आशी को अटैक किया, इसीलिए उसने उसका खून किया, मतलब हो गया। जो भी हो, खून तो हुआ है ना। वेट, मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है, तो यहाँ जो भी हुआ होगा, जिसने भी किया होगा, अभी पता लग जाएगा। मैं अभी साबित कर दूंगा कि आशी बेगुनाह है, उसने कुछ नहीं किया। कोई फायदा नहीं मिस्टर शर्मा, हमने सब कुछ चेक कर लिया है। यहाँ लगे हुए सभी सीसीटीवी कैमरास बंद थे, तो खून कहीं रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। एंड आई एम श्योर कि किसी ने जानबूझ के ये कैमरे बंद किए थे ताकि कुछ रिकॉर्ड ना हो, पुलिस को कोई सबूत ना मिले। आपने सीसीटीवी कैमरा चेक किया? लेकिन मेरे स्टोर में हर जगह पे एक स्पाई कैमरा लगा हुआ है। जिस किसी ने यह हरकत की है वो बहुत ही चालाक है। उसने चोरी करने से पहले सारे सीसीटीवी बंद कर दिए, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मैंने यहाँ एक स्पाई कैम फिट कर रखा है। जो किसी को नहीं पता, सिर्फ मुझे पता है। अभी दिखाता हूँ।
स्पाई कैमरा? ओह नो, कहीं उस स्पाई कैमरा में मेरा कोई सच ना आ गया हो। क्यारा जिंदा है? ये लोग कौन है जो बॉडी लाके रख रहे हैं? जानता था चाहे जो हो जाए तुम कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती। जानती थी चाहे जो हो जाए तुम कभी हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने दोगे। I'm sorry, मैं तो तुम्हारा भला करने के चक्कर में तुम्हारा ही बुरा कर रही थी। प्लीज मुझे माफ कर दो। I'm very sorry। इस सिड और आशी का कनेक्शन तो मुझे समझ ही नहीं आता। दोनों एक दूसरे से इतना गुस्सा होते नाराज होते फिर भी हेल्प करने पहुंच जाते हैं और वो आशी बार बार बच जाती है। लेकिन अब नहीं बच पाएगी क्योंकि मैं वापस आ गई। चीट